हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको। मेरा नमस्कार, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी पर। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की आरआरबी चंडीगढ़ की कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आरआरबी अजमेर की कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाया, आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्ले लिस्ट का, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको आरआरबी चंडीगढ़ की कट ऑफ बता रहा हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप कंटिन्यू देखते रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो तथा पास ही बने इस बेल आइकन बटन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि आपको रेलवे की भर्ती की पल पल की अपडेट के साथ साथ सरकारी नौकरियों की सारी अपडेट भी मिलती रहेगी। दोस्तों मेरे चैनल पर सारी आरआरबी जोन की कटअप पोस्ट की जा रही है, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इन सभी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों कटअप बताने से पहले जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो टोटल वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा इसी आरआरबी में है, 7,332 टोटल वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर है। और दोस्तों जहाँ यहाँ पर जो फॉर्म भरे गए हैं वो सबसे ज़्यादा फॉर्म भी इसी बोर्ड में भरे गए हैं, जो कि लगभग 24.5 लाख से 25 लाख के लगभग बीच के अंदर भरे गए हैं, यानी कि लगभग बोल सके तो 25 लाख फॉर्म इसी आरआरबी जोन में अप्लाई हुए हैं और जो पोस्ट हैं वो 7,832 पोस्ट यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन लेवल की बात करें तो यहाँ पर 310 अभ्यर्थियों में से एक छात्र का पीईटी टेस्ट के लिए चयन होगा। पीईटी टेस्ट के लिए 310 में से एक छात्र का चयन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि जो कैंडिडेट की उपस्थिति थी वो लगभग 60 से 65% उपस्थिति बताई जा रही है, जिसे दोस्तों कंपटीशन लेवल कुछ थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसके बाद लगभग 250 में से एक स्टूडेंट का पीईटी के लिए सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों इस कारण से थोड़ा सा इसका कंपटीशन लेवल कम हो गया है। अब बात करते हैं इसकी कटअप की, तो मैं आपको आज इसकी एक्सपेक्टेड कटअप दिखा देता हूँ। दोस्तों जो जनरल की कटअप रहने वाली है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इसकी कटअप बनाई जाएगी। तो दोस्तों जो हार्ड शिफ्ट है उनके लिए कम से कम 10 से 12 मार्क्स बढ़ने की संभावना है, जो मॉडरेट टाइप के थे उनके 8 मार्क्स लगभग बढ़ने की संभावना है, और जिनका थोड़ा सा शिफ्ट ईजी है उनके 2 से 4 मार्क्स बढ़ सकते हैं, और कहीं कहीं ईजी शिफ्ट के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे उतने, जितने मार्क्स है उतने ही रहने वाले हैं, जैसा कि एएलपी के अंदर किया गया था। तो दोस्तों हम इसमें जो कटअप बता रहे हैं वो आपको जो आपके ओरिजिनल मार्क्स आ रहे हैं उन्हीं के बारे में बताएंगे, नॉर्मलाइज मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। जैसे कि जनरल की जो कटअप रहने वाली है वो आपके 62 से 66 मार्क्स के बीच में रहने वाली है, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में जैसे बहुत ही ईजी शिफ्ट था तो यहाँ 4 मार्क्स बढ़ सकते हैं, यानी इसके 70 मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके मार्क्स अभी ओरिजिनल आ रहे हैं उसी के बारे में मैं आपकी कटअप की एक्सपेक्ट बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो जनरल की रहने वाली है वो 62 से 66 मार्क्स के बीच में रहने वाली है, ओबीसी की बात करें तो 57 से लेकर 61 के बीच में रहने वाली है, और एससी की बात करें तो 52 से 60 के बीच रहने वाली है, और एसटी की बात करें तो 48+ इसकी कटअप रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के द्वारा आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। दोस्तों जो ये कटअप है लगभग इसी के बीच में ही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन लेवल थोड़ा सा हम ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो फॉर्म भरे गए थे वो लगभग 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि 250 से लेकर 300 अभ्यर्थियों के बीच में एक सीट का मुकाबला पीईटी टेस्ट के लिए रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी आरआरबी चंडीगढ़ की कटअप। अगर आप भी किसी दूसरे आरआरबी बोर्ड से फॉर्म भरे हो तो नीचे अपना आरआरबी बोर्ड जरूर लिखिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में बनाऊंगा, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाय।